भाई आप अपनी वीडियो एडिट कैसे करते हैं भाई? प्लीज आप कैसे एडिट करते हो, थोड़ा बनाओ। मेरे तो एल लग गए। तो देवी और सजनों, आपने एडिटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। एडिटिंग एक ऐसी चीज जिसको अगर आप सीख लेते हो ना, तो कसम से यार आप एक अच्छे लेवल का कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। जी हाँ गाइस, आप लोगों का कई सारा कमेंट आया था कि भाई बिल्कुल तू अपने जैसा मोबाइल में एडिटिंग सिखाना, ताकि तुम्हारे जैसा हम भी अच्छी वीडियो एडिट कर सके। तो गाइस चलिए मैं आपको एडिटिंग सिखाई देता हूँ लाइक प्रोफेशनल। चाहे वो बैकग्राउंड को ब्लर करने की बात हो, या फिर बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की बात हो, चाहे वीडियो को इस तरह जूम इन और इस तरह जूम आउट करने की बात हो, या फिर बिल्कुल प्रोफेशनल वे में अपने साउंड को बनाने की बात हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के डिटेल्स में बताऊंगा। जी हाँ गाइज, वीडियो लंबी होगी लेकिन सीखने को काफी कुछ मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। गाइज मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैनल पीके टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आपको बिल्कुल मेरे जैसा एडिटिंग करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला का नाम है काइनमास्टर और दूसरा का नाम है कपकट। दोनों का आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अच्छे ढंग से वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना। ओके, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। तो गाइज आपको न्यू क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद 16:9 का रेशियो लेके इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज सब जो पहला काम है, हम करेंगे अपनी वीडियो को ट्रिम कट। ड्रीम या फिर कट दोनों एक ही होता है। तो गाइज आपको पहले यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है, जिस वीडियो को आप ड्रीम और कट करना चाहते हैं, यानी कि एडिट करना चाहते हैं। ओके, तो सपोज कि मेरा ये वीडियो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ फिर से। सपोज कि मेरा ये वीडियो रहा है, तो मैं इस वीडियो पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है गाइज, पहले इस वीडियो को सही ढंग से सीधा कर लेना। सीधा करने के लिए वीडियो पे क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट और मिररिंग का, ऐसे करके। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ऐसे घुमा देना। घुमाने गाइज मैं करूँगा क्या, पहले अपनी वीडियो को स्क्रीन में फिट करूँगा। फिट करने के लिए पहले मैं वीडियो पे क्लिक करना और ऊपर ये वाला बीच पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसे जूम कर देना। ये देखिए कुछ इस तरह का हो रहा है। तो ये हमारी वीडियो पे फिट हो गई। अब आपको करना है कि ऐसे बराबर कर देना दोनों तरफ से। ये देखिए हमारी वीडियो में अच्छी तरह से फिट हो गई है। अब गाइज आपको करना क्या, वीडियो को कट करना है, ट्रिम लगाना है। दोस्तों आपने कई सारे YouTube चैनल को देखा होगा लाइक टेक्निकल अस्का, या फिर आप मेरा एग्जांपल ले लो। हमारे वीडियो में क्या होती है कि जो साउंड होती है वो कट कट के आती है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है सुनने में। उसे बनाने के लिए आपको करना है क्या, सिंपली आपको वीडियो पे क्लिक करना है और इसे नीचे करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपको इसे जूम करना है। जितना ज़्यादा ये जूम होगा ना, उतना ज़्यादा अमेजिंग बनेगा। अब गाइस आपको समझना ये होगा, अभी आप यहाँ पे ढेर सारे ग्राफ देख रहे हैं, ऑडियो का ग्राफ। यहाँ पे जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, और जहाँ पे ये ग्राफ सीधा जाएगा वहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो गाइज जहाँ पे ये ग्राफ सीधा जाएगा उसी को हमें कट लगा, और ये ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो उसे हम कट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे बोलते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे ग्राफ सीधा सीधा जा रहा है और मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। गाइज अभी देख सकते हो कि ये ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और यहाँ पे ये ग्राफ कुछ मतलब सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। तो जहाँ पे ग्राफ सीधा जाएगा उसे कट लगाना है। कट लगाने के लिए पहले ऑडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे करना ट्रिम स्प्लिट का कुछ ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करके लेफ्ट का ऑप्शन जो मिल रहा है आपको लेफ्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए लेफ्ट इसका कट गया है। अब सेम चीज़ आपको वीडियो में लगाना है, वीडियो पे क्लिक करना है, इसे कट पे क्लिक कर देना और इसे भी लेफ्ट में कर देना। और ये देखिए हमारा लेफ्ट कट चुका है। अब इस तरह का करके दोस्तों आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को इसी तरह ट्रिम आउट कर मतलब ट्रिम और कट लगाना है, सेम चीज़ होता है। तो जहाँ पे ग्राफ आपको सीधा जाएगा वहाँ पे आपको कट लगाना है। लाइक यहाँ पे ग्राफ सीधा जाए तो आपको ऑडियो की लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रिम में क्लिक करना है, स्प्लिट एज प्लेट पे क्लिक कर देना। सेम चीज़ आपको वीडियो में भी करना है ऐसे करके। ओके, और फिर आपको आगे जाना है। जहाँ ये देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे कट देता हूँ ऐसे करके। मैं स्प्लिट एज प्लेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ओके, तो सिंपली आपको इस तरह करना है, और फिर इसे मैं यहाँ से कैच इसे क्लिक करके यहाँ पे बगल वाले पे डिलीट कर दे रहा हूँ। इस तरह करके गाइज आपको पूरी वीडियो को इसी तरह करना है, ट्रिम कट करना है, जिससे आपकी जो साउंड क्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन के तैयार हो जाएगी। अच्छे से ट्रिम करने के बाद गाइज आपको करना क्या, ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो को यहाँ से सेव कर देना, एक्सपोर्ट कर देना है।
ये देखिए गाइस, हमारा जो एक्सपोर्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या, सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको सेम एक्सपोर्ट में जो आपने किया था सेम वीडियो को भी ले लेना है। ओके गाइस, ये वीडियो हमारा रहा एक्सपोर्ट करके, कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया हमारा वीडियो जो अच्छी तरह से एक्सपोर्टिंग हो गया। अब गाइस दूसरी जो मेन मुद्दा है कि आपको बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, तो गाइस इस पे मैं स्पेशली एक वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपको पता नहीं तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, सिंपली आप उस पर टाइप करके वीडियो को देख सकते हैं, फुल डेडिकेटेड है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस मैं आपको करना, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि इसे ब्लर कैसे किया जाता है। सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना और नीचे नीचे करके आना और बेसिक इन्फो में क्लिक करके, बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे गॉसियन ब्लर का ले लेना, उसके बाद इसकी जो लेंथ है इसे बढ़ा देना है। गाइज मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। फिर गाइज आपको करना क्या, इसकी लेंथ बढ़ाने के बाद इसे पूरी वीडियो में इस तरह ले लेना। लेने के बाद गाइज आपको करना क्या है, मैं साथ ही साथ अपने बैकग्राउंड को कलरफुल भी बना देता हूँ, ब्लर के साथ कलरफुल भी बना देता हूँ। तो ये हमारा ब्लर हुआ, मैं कलरफुल बनाता हूँ। कलरफुल बनाने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना, इफेक्ट्स पे क्लिक करना और गाइज यहाँ पे आपको दो चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला का नाम है टोनल शिफ्ट। डाउनलोड करने के लिए आपको दुकान पे क्लिक करना है, अगर नहीं आता है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ओके, तो टोनल शिफ्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको टोनल शिफ्ट पे क्लिक करना है और इसे पूरी वीडियो में इस तरह से अच्छी तरह से फिट कर देना है। फिट करने के बाद इसकी लेंथ की भी, जो लेंथ है वीडियो के अनुसार बढ़ा देना। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है कलरफुल बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको करना क्या गाइज, आपको ऊपर टिक लगाना है और इसे भी सेव कर देना है। ये देखिए गाइज हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्टिंग उसका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या, सिंपली कप कट ऐप को ओपन करना है। गाइज इसका भी डाउनलोड लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में। इसको चलाने के लिए एक आपको ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है VPN। अगर आपको पता नहीं कि इस ऐप को VPN से कैसे कनेक्ट किया जाता है तो आई बटन में मिल रहा है लिंक, आप सिंपली उस पर टाइप करके वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कपकट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और से अभी वाला वीडियो लेना है जो आपने ब्लर और कलरफुल बनाया था। ओके, तो ये रहा हमारा वीडियो, अभी मैंने इसी को लिया था, तो आपको एड पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन मिल रहा है मैं ओवरले का, तो आपको ओवरले पे क्लिक करना है, एड ओवरले पे क्लिक करना है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ओके, एड ओवरले पे क्लिक करना है और आपको उस वीडियो को लिया लेना है जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था सबसे पहले, जिसमें आप ना तो कलरफुल बनाए थे और ना ही बैकग्राउंड को ब्लर किए थे, जो स्टार्टिंग में आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को लेना है। तो ये रहा हमारा वीडियो, मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा वीडियो। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ऊपर आपको टिक लगाना है और नीचे ऐड कर देना है। ओके, ऐड करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का कंप्रेसिंग हो रहा है, तब तक आपको वेट करना होगा। ये देखिए गाइस इसका जो कंप्रेसिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले स्क्रीन में अच्छी तरह से फिट कर देना। ओके, फिट करने के बाद आपको ऐसे से बगल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड को, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही गाइस इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा और ये ब्लर और कलरफुल देखने को इस तरह कुछ लगेगा। तो ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, तब तक हमें वेट करना होगा। ये देखिए गाइस जो हमारा वीडियो का बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है। अब आपको करना क्या, सिंपली आपको ऊपर टिक लगाना है और इसे एक्सपोर्ट कर देना है जो भी इसकी सेटिंग आती है उसी में। एक्सपोर्टिंग इसका कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब आपको ऊपर डन लगाना है। डन लगाने के बाद सिंपली फिर से आपको लास्ट बार काइनमास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, मैं बैक करके दिखाता हूँ। इस तरह आता है, आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशो लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस आपको इमेज पे क्लिक करना है, कोई भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेनी। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इसकी लेंथ को बढ़ा देना जितनी लंबी आपकी वीडियो है उसी के अनुसार। ओके, ऊपर आपको टिक लगा देना इस तरह। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडियम में क्लिक करना और कैमरा में जाके आपको उस वीडियो को लेना है जिस वीडियो को आपने अभी कप कट से एक्सपोर्ट किया था। तो ये रहा हमारा वीडियो, ये 30 FPS में बन रहा है। तो ये देखिए इसका भी लोडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह वीडियो बन के आ गया। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को पहले स्क्रीन में अच्छी तरह से फिट कर लेनी। फिट हो गया, उसके बाद गाइज यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा आता है वो है जूम इन जूम आउट का, जो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बना देता है। तो गाइज अभी आप यहाँ पे दो तरीके से जूम इन जूम आउट को बना सकते हो, स्पेशली भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आई बटन फुल हो चुका है। ओके, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में स्पीड में बता रहा हूँ, आपको समझ में ज़्यादातर नहीं आएगा। तो सबसे पहले जूम इन जूम आउट करने के लिए गाइज मैं इसको अच्छी तरह से पहले से चौड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपको वीडियो में कट लगाना है, जहाँ जहाँ आप जूम इन जूम आउट का इफेक्ट लगाना है
आपको वहाँ वहाँ पे वीडियो में करना क्या है, कट लगा देना। तो ये देखिए मैं फटाफट इस पर कट लगा दे रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह करके कट लगा देना। ये देखिए गैज, मैंने जितना हो सका उतना मैंने कट लगा दिया वीडियो में। तो गैज, सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो पे क्लिक करना है जिस वीडियो को आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दो तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। पहला तरीका है गैज यहाँ पे की बटन, और दूसरा तरीका है ये सिर्फ स्क्रोल करके। मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको, ये दोनों फिंगर से आप इसे जूम कर सकते हो। लाइक जैसे आप वीडियो पे क्लिक किए हो, आप सिंपली से जिस तरह करके जूम कर दीजिए। ये देखिए, ओके, ये जूम हो चुका है। अभी आप वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। मैं वीडियो को दिखाता हूँ आपको प्ले करके इस तरह। ये देखिए हमारा वीडियो जूम हो गया, फिर कैंसिल हो गया। अब गाइस ये था पहला तरीका, मैं इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ इस तरह पहला तरीके से, ताकि अच्छा लगे देखने में वीडियो हमारी। ओके, तो मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को। अभी आप देख सकते हो अच्छी तरह से हुआ है। ये सब पहला जूम इन जूम आउट का आप दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन गाइज जो अब्बर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको करना है क्या, पहले वीडियो पे क्लिक करना होगा इस तरह। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें चाबी का, आपको चाबी पे क्लिक करना है और इसे आगे बढ़ा के इसे जूम कर देना है इस तरह। ओके, जूम कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जूम होगी। लाइक देख सकते हो अभी आप, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जूम हुई है। अभी आप जूम आउट का भी इफेक्ट लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए आपको फिर से वीडियो पे क्लिक करना है, कैचे में क्लिक करना है, उस पर टिक लगा के इसे आगे बढ़ा के इस तरह पहले जूम कर लेना है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा के इसे जूम आउट कर देना है इस तरह। गाइज अभी आप देखोगे वीडियो काफ़ी अमेजिंग बन के तैयार हो गई होगी। तो मैं शुरू से इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ओके, ये देखिए गाइज कितनी अच्छी तरह से जूम इन जूम आउट हो गई है। अब गाइज जो मेन मुद्दा आता है, लास्ट वाला चीज, वो आपको करना क्या है, साउंड इफेक्ट को इस पर ऐड करना है। साउंड इफेक्ट्स आपको मैंने डाउनलोड करना तो सिखाई दिया है, तो आप सिंपली वहाँ से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए। नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाइए, वीडियो को देखिए, सीख लीजिए। तो गाइज जहाँ पे आपकी वीडियो जूम इन जूम आउट हो रही है, उसी में आपको साउंड इफेक्ट लगाना है। सब यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो यहाँ पे जूम हुई थी, तो मैं पहले वीडियो पे क्लिक करूँगा इस तरह करके, ओके, ताकि टिक लग जाए। उसके बाद ऑडियो पे क्लिक करूँगा और साउंड में जाके यहाँ पे जितने भी आपकी जूम इन जूम आउट का साउंड इफेक्ट है, आप सिंपली इस पर ऐड कर दीजिए, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो ये रहा हमारा साउंड, तो इसको मैं सिंपली से ज़्यादा लंबा है तो इसे मैं कट कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखिएगा, मजा आएगा सुनने में। तो गाइस जहाँ पे आपकी वीडियो में जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट आपने लगाया, वहीं पे आपको साउंड इफेक्ट को डालना होगा। सपोज़ कि अभी आपने वीडियो को यहाँ पे जूम इन जूम आउट इस तरह करके डाला है, तो यहीं पे आपको साउंड इफेक्ट डालना होगा। साउंड इफेक्ट डालने के लिए आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और सॉन्ग में जाके आप ढेर सारे साउंड इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने मन पसंद साउंड इफेक्ट को। काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऑडियो पे क्लिक करके, जितने भी है आपके पास सब ऐड कर दीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट की जो साउंड होती है उसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। गाइस सपोज कि आपने एक बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड किया है और उसमें जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ज़्यादा करने के लिए आपको पहले साउंड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, तो आपको इसे बूस्ट कर देना, हाई कर देना, 200 कर देना, ये बढ़ जाएगा। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो इसे अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह करके आप साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो और जूम इन जूम आउट का इफेक्ट्स भी। अब गाइस बात ये आती है कि आप अपने वीडियो में सब्सक्राइब आइकन, जैसे आपने देखा होगा कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कुछ इस तरह का आता है नीचे से उठ के, तो आप उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस एक्चुअली वो जो इफेक्ट्स आते हैं उसे आपको डाउनलोड करना होगा यूट्यूब या फिर कहीं से, और उसको लगाने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको जो भी आपका है ग्रीन स्क्रीन का जो भी है जिस टाइप का उसके ले लेना है। लेने के बाद आपको करना है क्या, इस तरह का जैसे ग्रीन आएगा तो आपको क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद इसे आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा से एडजस्ट कर दीजिए अपने हिसाब से, कम बेसी कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद गाइस आपको इसे करना क्या, इसे छोटा कर देना है और इसे बगल में लगा देना है। ये देखिए अब आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो कितनी अमेजिंग बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं। एक लास्ट चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप इसमें टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ओके, लिखने के बाद आप इसका जो फॉन्ट है इसे चेंज कर लीजिए। फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको किसी भी फॉन्ट पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक की चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद कलर है। साथ ही साथ गाइस आप इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हो। लाइक इन एनिमेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक पता होगा ये राइटिंग वाला, आपको राइटिंग पे लेटर बाय लेटर ऐसा करके उस पर टिक लगा देना है। ओके,
तो ये देखिए हमारा इतनी अमेजिंग यहाँ पे लिख के तैयार हो गई है। चाहते तो इस पे आउट एनिमेशन भी लगा सकते हैं। आउट एनिमेशन लगाने के लिए आपको पहले टेक्स्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आउट एनिमेशन पे जाके यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरह करके आप अपने वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो, मैंने अभी आपको हड़बड़ी में दिखाया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एडिटिंग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, मोटिवेशन मिल। और हाँ, बगल में आपको दो वीडियो मिल रहे हैं, काफी अच्छा वीडियो, तो आप दोनों को देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहे तब तक।